स्वागत है आपका एक बार फिर से न्यूज़ डेली पर। आज की कुछ खबरें हम सभी जान लेते हैं। कश्मीर से केरल तक कोरोना वीरों के योगदान को सेना कर रही है सलाम। कोरोना वीरों को सेना की सलामी। दिल्ली पुलिस मेमोरियल पर बरसाए गए फूल। आरोग्य सेतु ऐप पर राहुल गांधी के सवाल पर रविशंकर प्रसाद जी ने किया पलटवार। जर्मनी में खोले जाएंगे चर्च। अमेरिका में 66,000 मौतें कोरोना से। कोटा से बच्चों को लेकर हटिया पहुंची स्पेशल ट्रेन। ना टूटे कोरोना मरीजों का हौसला, इसलिए मुन्ना भाई बने कानपुर के डॉक्टर्स। दिल्ली और नोएडा में सीआरपीएफ के 70 जवान कोरोना पॉजिटिव, यानी कुल 122 पॉजिटिव। ये सारे जवान मयूर विहार फेज 3 इलाके में तैनात थे। दिल्ली और त्रिपुरा बीएसएफ के कुल 17 कोरोना पॉजिटिव जवान, इनमें से 7 चांदनी महल और जामा मस्जिद के पास तैनात थे। 8 दिल्ली के राकीपुरम और 2 त्रिपुरा के सीमा पर तैनात थे ये जवान। कोरोना जल्द ख़त्म होने वाला नहीं है और पीड़ितों को इसके साथ ही जीना होगा। डॉक्टर के मुताबिक जब तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं बन जाती तब तक ये वायरस लोगों के बीच ही बना रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।